हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हम लोगों ने कल लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्या बात किया था? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन तक हम लोगों ने कल तो पढ़ाई किया था, लेकिन रेडियल ड्रिलिंग मशीन से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि हम लोग हर क्लास में करते हैं। मात्र 2 मिनट में क्या करेंगे, आपको पूरा का पूरा फिर से रिवाइज करा देंगे। सबसे पहले हमने क्या बात किया था, ड्रिल का ज्योमेट्री कैसा होता है। ड्रिल का ज्योमेट्री कैसा होता है, तो ड्रिल के ज्योमेट्री में आपने देखा था हेलिक्स एंगल होता है। हेलिक्स एंगल के बाद आपने क्या देखा था, पॉइंट एंगल देखा था, और आपने देखा था क्लीयरेंस एंगल। यह तीनों बहुत ही ध्यान से आपको समझना चाहिए। अगर मैं आपको नाम बोल रहा हूँ हेलिक्स एंगल, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो ड्रिल टूल है उसका जो एक्सिस है, वहाँ से उसके हेलिक्स से जो टेंजेंट किया जाता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल। और उसका रेंज कितना होता है, 28 से 32 के अप्रॉक्स होता है उसका रेंज। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद आता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल आप समझते होंगे, दोनों फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ऐसे करते हुए, तो यह होता है लगभग कितना होता है, 90 to 140 होता है। और हमने बात किया था क्लीयरेंस एंगल का, ठीक है, यह कितना होता है, 8 to 12 होता है, 8 से लेके 12 डिग्री तक होता है। और यह आपको मैंने कल बताया था। ड्रिल टूल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट को जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, आप मुझे सुनते रहो, अपने दिमाग में उसको रिवाइज करते रहो। फर्स्ट वन मैंने बात किया था कि जो ड्रिल टूल होता है वो हाई स्पीड स्टील टूल का होता है। किसका, HSS। उसको लिखा क्या जाता है, 1841 टंगस्टन क्रोमियम, क्या जाता है, वेनेडियम। टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम आपका ये परसेंटेज होता है। उसके बाद हमने बात किया था कि जो ड्रिल टूल होता है उसको हम स्पेसिफाइड रूप में बोलते हैं इंड कटिंग टूल। क्या बोलते हैं, इंड कटिंग टूल। क्यों बोलते हैं आपको पता है। सबसे पहले ड्रिल टूल के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं सैंक। क्या बोलते हैं, सैंक। और सैंक में होता है बेटा टेपर। और वह टेपर कैसा होता है, तो आपका क्या जवाब होगा, मोर्स टेपर। कैसा टेपर होगा, मोर्स टेपर, ठीक है। तो अगर हम बोले कि किसी भी ड्रिल टूल का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पे है सैंक, ठीक है। सैंक के साथ दूसरा स्पेसिफिकेशन होता है यह किस मटेरियल का बना है, तो आपका जवाब क्या होगा, HSS, ठीक है। सामान्य रूप से और भी मटेरियल के बनाए जाते हैं, नो डाउट, बस सामान्य रूप से किसका बनाया जाता है, HSS का। उसके बाद आप, हम लोग कभी कभी कार्बाइड की टिप भी लगा देते हैं, वो अलग प्रोसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका डाया कितना। तो जो ड्रिल का डाया होगा, जो ड्रिल का मटेरियल होगा, और जो सैंक होगा, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग टूल। वेरी गुड। उसके बाद मैंने बात किया था यह 3D है, मतलब ऑब्लिक कटिंग। तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है वो सामान्य रूप से कैसा कटिंग होता है, ऑब्लिक कटिंग होता है, जिसको 3D बोलते हैं, जबकि मैंने ऑर्थोगोनल कटिंग बताया था। और वह क्या होता है, 2D होता है, जब वर्क पीस और टूल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट बताए थे बहुत ही महत्वपूर्ण। वह पॉइंट फर्स्ट वन क्या था कि जब कोई ड्रिल टूल वर्क पीस को रिमूव करता है, तो किस एक्शन में मटेरियल को रिमूव करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सियरिंग एंड स्टूडिंग, ठीक है। सियरिंग और स्टूजन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से क्या करता है, वो वर्क पीस को कट करके क्या करता है, बाहर निकालता है। हमने बोला था वहां पे क्या होता है, फ्लूट बने होते हैं, और उस फ्लूट से क्या निकलता है, चिप्स निकलता है। और वह चिप्स क्या करता है, उसके पेरिफेरी साथ निकलता रहता है, साथ में कटिंग फ्लूट को हम वहां पे पोर करते हैं। तो ये दो, ज्यादा से ज्यादा यह दो काम होते हैं जो कि फ्लूट बहुत ही आसानी से क्या कर सकता है, फ्लूट बहुत आसानी से प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हमने आपसे बात किया था कि जो टॉर्क होता है और जो एक्सियल फोर्स होता है, ठीक है, टॉर्क आधा होता है किससे, एक्सियल फोर्स से, ठीक है। तो जो रोटेशन होता है इससे टॉर्क प्रोवाइड करता है, साथ में आप उसको एक्सियल फोर्स लगाते हो, तो इसमें एक रिलेशन होता है, ठीक है, जो आपको मैंने बता दिया। साथ में मैंने बताया आपको कि कुछ ड्रिल कैसे होते हैं, स्ट्रेट फ्रूट ड्रिल हो सकते हैं, और कुछ कैसे हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं। तो फ्लैट ड्रिल का यूज हम सामान्य रूप से कैसे करते हैं, वुडन वर्क के लिए। लकड़ी में अगर आपको होल करना होता है, तो हम ऐसे कौन सा ड्रिल यूज करते हैं, फ्लैट ड्रिल यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमने आपको ज्योमेट्री बताई थी उसको बोलते हैं ट्विस्ट ड्रिल। क्या बोलेंगे, ट्विस्ट ड्रिल, ओके, मैंने रिवाइज कर दिया। उसके बाद हमने आपसे बात किया था कि
कि जो ड्रिलिंग मशीन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो मशीन था उसको बोलते हैं सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। क्या बोलते हैं? सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद हमने बात किया था पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, और उसके बाद क्या बात किया था जो ये है और इसका नाम क्या है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं यहाँ पे है क्या। तो मैंने आपको बता रखा था कि जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है वह सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इसका आर्म है क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, 360। अरे ए बी डिविलियर्स का नाम जानते हो ना, 360, मिस्टर 360 डिग्रीज। तो यह भी क्या है? एक टाइप का 360 डिग्री वाला है। इसका मतलब यह घूम सकता है। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो टूल है अलग अलग पोजीशन पे बड़े आसानी से क्या कर सकता है? जा सकता है, जिसके कारण हम भारी वर्क पीस को शिफ्ट करने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं? टूल को ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो यह ज़्यादा यूजफुल होता है ड्रिलिंग में, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल बात किया था। यहाँ पे इसका टेबल काफ़ी बड़ा होता है जिससे कि बड़े वर्कपीस को सपोर्ट किया जा सके। इसका आपका एक टाइप का ब्लॉक डायग्राम है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन आप ध्यान से देख लो, आपके दिमाग में होना चाहिए। और यह ऑटोमेटिक मूवमेंट में चलता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ है जिसके कारण क्या करता है, यह का पूरा हेड क्या करता है? ऑटोमेटिक चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे गाइड वेज बने हुए हैं और यहाँ पे जब इसको रोटेट करेंगे तो अप एंड डाउन भी कर सकता है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन हो गया था, हमने कल पढ़ाई कर लिया था। अब इसके आगे चलते हैं, ध्यान से देखो ये यह एग्जाम का प्रश्न है। जैसे हमने आपसे बोला था स्ट्रेडरल मिलिंग, बात याद आ रहा है? मैंने बात किया था स्ट्रेडरल मिलिंग और गैंग मिलिंग। तो स्ट्रेडरल मिलिंग की जब हमने बात किया था तो बोला था कि अगर एक ही आर्बर पर दो कटर लगे होते हैं, अगर एक ही आर्बर पर दो कटर लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेडरल मिलिंग। लेकिन डाया दोनों का सेम होता था और बीच में क्या होता था? सुटेबिंग होता है, कॉलर क्या होता है? कॉलर होता है, स्पेसिंग कॉलर होता है जो क्या करता है? उसको सुटेबल डिस्टेंस पे क्या करता है? एडजस्ट कर सकता है। उसके बाद मैंने बात किया था गैंग मिलिंग। क्या बात किया था? गैंग। तो गैंग का मतलब होता है समूह। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो गैंग मिलिंग में था डिफरेंट डिफरेंट डाया का टू या उससे ज़्यादा क्या करता था? वर्क पीस को क्या करता था? मशीनिंग करता था। तो यहाँ भी है कि गैंग टाइप ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट को देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आपका ड्रिल का हेड है 1, 2, 3, सपोज करो 3 है। इसका मतलब है एक साथ तीन तीन टूल यहाँ पे लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि जब यह वर्क पीस में होल करेगा एक साथ होल्स बन जाएंगे। इसका मतलब है कि जो गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज होता है वह एक साथ कई होल्स बनाने में किया जाता है। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, यहां पे इसका क्या है? वर्क टेबल है, और यह वर्क टेबल का जो अप एंड डाउन क्या है? मूवमेंट है। और यहां पे बड़े वर्क पीस रखेंगे, एक साथ कई पॉइंट्स पे क्या कर सकता है? या एक साथ कई पॉइंट्स पे क्या कर सकता है? ड्रिल कर सकता है। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, सबसे पहली बात यह है कि जैसे मान लेते हैं कि एक वर्क पीस है, ये आपका वर्क पीस है, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ एक रेगुलर पैटर्न पे होल बनाने हैं। ठीक है, अब इनका डाया सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सपोज करते हैं कि इसमें कोई डाया बड़ा है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई छोटा। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे प्लेट को यहां पे रख देते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस डाया का हमको होल बनाना होगा उसी के डाया का यहाँ पे क्या लगा देंगे? ड्रिल बिट लगा देंगे। और बड़े आसानी से एक ही वर्क स्टेशन पे एक ही बार में क्या करेगा? ड्रिल कर देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सभी में जो मोटर लगा होगा वह सब के लिए अलग होगा। ठीक है, इसके लिए अलग मोटर, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। अगर मैं आपको बोलूं यह एक्चुअल में कुछ नहीं है, यह केवल क्या है? अलग अलग सिंगल मशीन का असेंबली है, एक ही साथ लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि किसी भी वर्क पीस पर ज़्यादा होल्स बनाने हैं, ज़्यादा पैटर्न में होल बनाने हैं, तो एक ही साथ में 4 होल्स प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इन दिस टाइप सेवरल स्पिंडल, ठीक है, आर स्टेशन आर माउंटेड ऑन द वन लॉन्ग टेबल। ठीक है,
अलग अलग स्पिंडल को हम क्या करते हैं, अलग अलग स्पिंडल को एक ही बेंच पर क्या कर देते हैं, माउंटेड कर देते हैं। ठीक है, आपको यहां तक तो आइडिया आ गया होगा कि जो गैंग टाइप ड्रिलिंग मशीन है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो गया है खत्म। क्यों? क्योंकि ड्रिलिंग मशीन में कुछ है ही नहीं। ड्रिलिंग मशीन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वह होता है ड्रिल ज्योमेट्री से, वो मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, आज भी बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले के सारा जो ड्रिलिंग मशीन क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब यहाँ से कुछ और प्रश्न बनते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप जरा सा अपना कॉपी और पेन निकालो, आप दो बातों को लिखो अभी इसी वक्त, आपको नोट करना है। इससे क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट एक नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो R&D टाइप का नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम आपको रिसर्च और डेवलपमेंट कराने के लिए आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको उस लेवल से पढ़ा रहे हैं जिससे कि एग्जाम में आपका नंबर औरों से बेहतर हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के प्रोसेस को हम सीखते हैं, उससे क्या होगा कि जो प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये नया प्रश्न है या फिर ये आपने पढ़ा नहीं है। आप पढ़े तो जरूर होगे, वो कर पाओ या ना कर पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपको अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वह आप एग्जाम में गलतियां करने के बाद उसको महसूस कर पाओगे, तो याद रखना, आपको नोट करना है दो बातें। फर्स्ट वन, ध्यान से देखो, दो कंडीशन बनती हैं, ड्रिलिंग ऑफ हार्ड मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, अगर आप किसी हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग कर रहे हैं तो क्या कंडीशन बनेगा। सेकेंड वन, अगर आप किसी सॉफ्ट मटेरियल की ड्रिलिंग कर रहे हैं तो क्या कंडीशन बनेगा। इन दोनों कंडीशन से सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले कि अगर हम किसी हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग करते हैं तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे एक छोटी सी बात बताते हैं, अगर ये कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक कुछ ऐसा है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आपको यह बताना है इस इमेज के द्वारा। मान लेते हैं यह आपका ड्रिलिंग टूल है, तो आप बोलोगे कि इन दोनों में यह कोण जो है थोड़ा सा अलग अलग है ना, यही अंतर है। इसका मतलब इसके दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं कि इसके बीच का जो एंगल है और इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, डिफरेंशिएट है। इसका कुछ एंगल होगा, इसका कुछ एंगल होगा, यही तो है जो ड्रिल का इनिशियल पॉइंट का, जो ड्रिल का सबसे एंड वाला पोर्शन होता है वही है ना, ये तो इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, इसी को बोलते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, ये पॉइंट एंगल है। तो अगर आप इन दोनों चित्र को देखो तो यहां से एक चीज निकल के आ रहा है, यहां का एंगल छोटा है और यहां का एंगल बड़ा। बिल्कुल, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, लेकिन इसके साथ यह अपने अंदर एक और इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है जो आपको समझना पड़ेगा कि जब यहां पे आपने एंगल छोटा कर दिया तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, क्या इसकी मजबूत कौन होगा, मतलब इस टूटने का चांस फर्स्ट वन का ज्यादा होगा या सेकेंड वन का, जरा सोच के बताओ। अगर सबसे पहले कौन टूटेगा, वन नंबर नंबर, तो आपका जवाब क्या होगा, वन नंबर। क्यों? क्योंकि ये इसका एंगल क्या है, छोटा है, तो जब ये लेंथ के साथ होने से इसके टूटने के चांस ज्यादा होंगे, और इसके टूटने क्या होगा, इसके टूटने का चांस कम होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करते हैं बालक, तो इसके पास का जो पॉइंट एंगल होता है ना, तो हम क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। तो अगर आपको हार्ड मटेरियल का, अगर आपको हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करनी है, कैसा करना है, हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करनी है, तो आपको पॉइंट एंगल कैसा रखना होगा,
हाई रखना होगा, ठीक है। पॉइंट एंगल ज्यादा रखना होगा, लगभग आपको 140 के आसपास, सपोज करते 140 टू आप 130 के रेंज में रखेंगे, ठीक है। 130 से लेके 140 तक का रेंज में रखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अगर आपको हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग करनी है तो पॉइंट एंगल को क्या रखना है, ज्यादा रखना है, और अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो पॉइंट एंगल को कम रखना है। अब आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखो, आपने इसको नोट कर लिया, पॉइंट एंगल क्या है इसका, आई है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ एक छोटी बात और होती है जिसको बोलते हैं पॉइंट एंगल हाई होना लेकिन क्लियरेंस एंगल कम होना। तो फर्स्ट वन क्या लिखेंगे, पॉइंट एंगल हाई होना, क्लियरेंस एंगल लो होना। क्लियरेंस एंगल लगभग 8 डिग्री के आसपास रखेंगे और यहाँ पे 130 टू 140 डिग्री रखेंगे। तो यह दोनों कंडीशन किसके लिए होती हैं, हार्ड मटेरियल के लिए होती है। अगर आप हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग करोगे तो पॉइंट एंगल को ज्यादा रखना होगा, बोलो कितना, 130, ठीक है, यह रेंज है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है क्लियरेंस एंगल लो रखना होगा। क्लियरेंस एंगल लो, क्लियरेंस एंगल होता क्या है तो आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या होता है टेपर, यहाँ पे होता है नेक, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका पूरा का पूरा ड्रिल टूल, यहाँ पे इसका क्या होता है पॉइंट, ठीक है, और ये इसका क्या होता है फ्लूट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था जब वर्कपीस था, ये वर्कपीस था, तो वर्कपीस से रिलेटेड हुए यह जो डिग्री होता है, यह इसी को तो बोलते हैं क्लियरेंस, ठीक है। यहां से लेके यहां तक यही तो क्या होता है आपका क्लियरेंस होता है। तो क्लियरेंस एंगल कितना रखेंगे, लो, जबकि क्लियरेंस एंगल का रेंज कितना होता है, 8 to 12। तो यह दोनों बातें याद रखना, कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपको किसी हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग करनी है तो आपको पॉइंट एंगल ज्यादा रखना होगा या कम, तो बोलो क्या रखोगे, ज्यादा रखोगे, और क्लियरेंस एंगल का क्या बात करेगा, लो रखना है, ठीक है। तो यह टॉपिक हो गया, पहला पॉइंट खत्म। क्या नाम है इसका, हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग करना, ओके, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट आओ, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको किसी सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो क्या कंडीशन बनेंगे, वहां पे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब आपको यहां पे मैं लिख रहा हूं कोई सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। अब अगर आपको किसी सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो पॉइंट एंगल क्या होगा और क्लियरेंस एंगल क्या होगा, आपको ये दोनों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन बोलो, पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल जानते हो क्या होगा, लो होगा, तो मतलब काउंट कर दो, जबकि क्लियरेंस एंगल क्लियरेंस एंगल क्या होगा, हाई होगा। तो दोनों बातों को याद रखना, जब आप ड्रिलिंग के द्वारा किसी सॉफ्ट मटेरियल को कट करेंगे, ड्रिल करेंगे, तो आपके पास जो पॉइंट एंगल होगा वह क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और क्लियरेंस एंगल क्या होगा, हाई होगा। लो का मतलब आपको बता दूं 90 to 100। इसीलिए एक प्रश्न आता है कि अगर आपको प्लास्टिक की ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, प्लास्टिक समझ पा रहे हो, प्लास्टिक बेकेलाइट पीवीसी पॉलीवेनिल क्लोराइड, तो जो पीवीसी होगा या प्लास्टिक होगा, अगर आप प्लास्टिक की ड्रिलिंग करते हो तो जो आपका पॉइंट एंगल होगा वह क्या होगा, लो। तो प्लास्टिक के लिए 90 डिग्री का पॉइंट एंगल यूज किया जाता है। तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आया है कि एक प्लास्टिक है और उसके लिए उस पर ड्रिल करना है, तो प्लास्टिक पर ड्रिल करने के लिए पॉइंट एंगल हम कितना देंगे, 90। तो प्लास्टिक की तो बात छोड़ दो, आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि जो सॉफ्ट मटेरियल होगा, जो सॉफ्ट मटेरियल होगा उसके लिए पॉइंट एंगल कम होगा, जैसे रेंज क्या है, 90 to 100।
लेकिन जो हार्ड मटेरियल होगा उसके लिए पॉइंट एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर आपने देखा कि लेंस एंगल क्या होगा, उसके लिए हाई होगा। हाई का मतलब 12 डिग्री, लगभग कितना 12 डिग्री। क्यों? क्योंकि लेंस एंगल का रेंज कितना होता है, 8 टू 12 होता है। तो लो में कहाँ से लो होगा, 8 होगा। हाई स्किल्स कहाँ तक हो सकता है, 12 तक। क्योंकि क्लियरेंस एंगल वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है, 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक। तो यहाँ पे अगर क्लियरेंस एंगल हाई है तो कितना डिग्री देगा, 12 डिग्री देगा, जबकि लो होगा तो 8 डिग्री देगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो दो बातों को हमने आपको बताया। चलिए ठीक है, आपने इसको देख लिया बहुत अच्छे से। चलिए यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, आपको पता ही होगा यहाँ पे यह वाली एंगल क्या होती है, उसको बोलते हैं हेलिक्स, आपको पता है। ठीक है, यही तो हेलिक्स एंगल है। और यह कौन सा एंगल होगा, तो आपका क्या कहना होगा इसको, पॉइंट एंगल। तो ये वाला एंगल जो है हेलिक्स होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल पॉइंट होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, क्लियरेंस एंगल होगा। बहुत ध्यान से देखना, एक्चुअल में यह चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप कभी कन्फ्यूज नहीं होगी कि हेलिक्स एंगल क्या है। फिर से आप दिमाग में सोचोगे पॉइंट एंगल क्या है, फिर क्लियरेंस एंगल क्या है, तीनों के तीनों यहाँ पे दिख रहे हैं और आपके दिमाग में यह इमेज होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। और दूसरी बात हमने आपको बताया था कि जो हेलिक्स एंगल ड्रिल टूल में होता है वह इक्विवेलेंट किसके होता है, रैक एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो जो रैक एंगल होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, वह इक्विवेलेंट किसके साथ होता है, हेलिक्स एंगल के साथ। इसीलिए मैंने आपको एक बात बताया था कि जो स्ट्रेट फ्लूट, मतलब स्ट्रेट फ्लूट जो आपका ड्रिल होगा, क्यों, क्योंकि उसमें हेलिक्स बन नहीं पाएगा। तो जब स्ट्रेट फ्लूट होगा तो जो टेंजेंट खींचा जाएगा पैरेलल चला जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल का हेलिक्स एंगल या रैक एंगल शून्य होता है। क्यों, क्योंकि एंगल फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कर्वेचर फॉर्म से इस तरफ टेंजेंट निकल जाएगा। इतनी बातें हो गई। चलिए एक आखिरी बात, अब प्रश्न आता है कुछ मटेरियल दिया जाता है, ठीक है, कुछ मटेरियल दिया जाता है, जैसे अगर प्लास्टिक दे दिया जाए, तो आप लोग ऐसे ही सुन लो, प्लास्टिक के लिए पॉइंट एंगल कितना होगा, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, 90 डिग्री। माइल्ड स्टील, जो सामान्य रूप से जो फेरस बेस होता है माइल्ड स्टील के लिए 118, यही तो लिखा जाता है ना, 118 डिग्री। तो यही सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में होता है कि जो पॉइंट एंगल होता है 118 होता है, लेकिन यह माइल्ड स्टील के लिए होता है। लेकिन अगर यह स्टेनलेस स्टील हो जाएगा तो सामान्यतः 130 से 135 के आसपास रहता है। यह किसके लिए होता है, स्टेनलेस स्टील के लिए होता है, स्टेनलेस स्टील के लिए लगभग 130 to 135 होता है। यह आपके MS के लिए हो सकता, माइल्ड स्टील के लिए होगा। प्लास्टिक के लिए क्या होगा, आपने बोला था कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यह कुछ बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लास्टिक के लिए 90 डिग्री है, MS के लिए आपका 118 है, स्टेनलेस स्टील के लिए आपका 130 to 135 रेंज होता है, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए, यह आप अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो अब जो ड्रिल ज्योमेट्री से जितने भी सवाल आते हैं, लगभग आपको 90% मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप क्या करो, कोई भी बुक उठाओ, ड्रिल ज्योमेट्री से जितने भी सवाल आए हुए हैं आप आसानी से कर पाओगे। साथ ही साथ ड्रिलिंग टूल से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, उसका डाया कितना है, कोई होल अगर बोला जाए कि हमारी ड्रिल मशीन कितनी है, 20 mm की है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि उस ड्रिल मशीन के द्वारा जो भी होल प्रोड्यूस होगा उसका डाया कितना होगा, 20 mm, ठीक है। अब आगे आते हैं कि ड्रिल मशीन के द्वारा क्या केवल ड्रिलिंग की जा सकती है या कुछ और भी किया जा सकता है। तो मतलब ड्रिलिंग के द्वारा जो ऑपरेशन होंगे वह कुछ डिफरेंट होंगे या नहीं, यहाँ पे यह बात थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। तो अगला हम जो टॉपिक लेंगे उसका नाम क्या है, ड्रिलिंग मशीन के ऑपरेशंस। क्या नाम है, ड्रिलिंग मशीन के ऑपरेशन, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इस ऑपरेशन में एक ड्रिलिंग का नाम होता है
स्टेप ड्रिलिंग, क्या होता है स्टेप ड्रिलिंग। अगर आपने लेथ मशीन पढ़ा होगा उसमें एक टॉपिक होता था स्टेप टर्निंग। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे वर्कपीस कुछ ऐसा होता है, ठीक है, आप सभी लोगों ने स्टेप टर्निंग किया होगा, यहाँ पे आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो होता क्या था, हम लोग सबसे पहले यही ड्रिलिंग करते थे, ठीक है, सॉरी यही टर्निंग करते थे जिसको बोलते हैं स्टेप टर्निंग। क्या होता था कि यहाँ यहाँ का डाया कुछ ऐसा होता था, ये बनता था, उसके बाद फिर यहाँ पे ये हो जाता था। इसका मतलब है कि हम क्या बनाते थे, यहाँ पे कुछ स्टेप्स बनते, स्टेप्स का मतलब सीढ़ियाँ होती हैं, आप देख पा रहे हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अगर कुछ स्टेप्स का फॉर्म करना होता है तो हम लोग स्टेप टर्निंग किया करते थे कहाँ पे, लेथ मशीन। लेकिन यहाँ पे है स्टेप ड्रिलिंग, क्या है स्टेप ड्रिलिंग। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, दो टाइप की ड्रिलिंग होती है, एक का नाम है कोर ड्रिलिंग और एक का नाम है स्टेप ड्रिलिंग, ठीक है। एक का नाम होता है कोर ड्रिलिंग और एक का नाम होता है स्टेप ड्रिलिंग, ठीक है। अब होगा क्या कि जो आपका टूल होगा उसी टूल के ऊपर इस स्टेप्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। आप देख पा रहे हो जो यहाँ पे ये टूल दिखा रहा है उस पे स्टेप्स बने हुए हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसके ऊपर स्टेप्स नहीं बने होंगे तो यह बनाने में नहीं सक्षम होगा। अब यहाँ पे क्या है कि मोर देन वन डायमीटर, आप यहाँ पे देखो, अगर यह स्टेप टर्निंग होगा तो अगर यहाँ पे डाया अलग है और यहाँ पे डाया अलग है, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे डाया अलग है और यहाँ पे डाया अलग है। आप देखो यहाँ पे इसके अगर इंसर्ट अगर पूरा ड्रिलिंग करेगा तो अलग अलग डाया का पूरा ड्रिल हो जाएगा। तो अब होगा क्या कि मोर देन वन डायमीटर कैन बी ग्राउंड ऑन द ड्रिल बॉडी, ठीक है, विथ सेव्स एंड एक्स्ट्रा ऑपरेशन। अब होता क्या है कि अगर आपको किसी भी वर्क पीस में, जरा पीछे आते हैं ध्यान से देखो, सपोज करो यह आपका वर्क पीस है, ठीक है, यह वर्क पीस है और इस वर्क पीस में जो आपको ड्रिल बनाना है, मतलब जो आपको फॉर्मेशन करना है, देखो कुछ ऐसा बनाना है, जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो आपको स्लॉट कटिंग करना है कुछ ऐसा करना है, देख पा रहे ये, इसका मतलब है यहाँ पे जो डाया होगा, मान लेते हैं वो D1 है, यहाँ का जो डाया है वो मान लो आपका D2 है, यहाँ का जो है वो है D3 और यहाँ का क्या है आपका D4। तो अब इसमें कितने स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे, कम से कम 4 स्टेप्स दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे आप याद रखना, अब एक ही वर्क पीस में अगर आपको डिफरेंट डाया का होल बनाना है तो इसका पहले क्या काम करना होगा, अगर हम इसको 4 times में करें, कितना टाइम्स में, 4 times में, देखो कैसे होगा 4 times में। सबसे पहले हम D4 डाया का क्या रखें वर्क पीस पे, क्या करें होल बना दें। उसके बाद अगली बार क्या करें, D3 डाया का ड्रिल लाएं और फिर क्या करें इस लेंथ तक लाएं और ये क्या करेगा यहाँ तक। फिर अगली बार क्या लाएंगे, D2 डाया का ड्रिल लाएंगे, मतलब डाया को और बढ़ाएंगे, फिर ये क्या करेगा इस लेंथ तक कर देगा। अगली बार फिर D1 डाया का लाएंगे और यह, इसका मतलब हमको इस होल को बनाने के कम से कम 4 times ड्रिल को बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग डाया है। तो इस एक्स्ट्रा टाइम और इतना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट से बचने के लिए अगर हमको यही ऑब्जेक्ट बार बार बनाना है, मतलब मास प्रोडक्शन में बनाना है यही ऑब्जेक्ट हमारा वर्क पीस, तो हम क्या करते हैं, जो ड्रिल यूज करते हैं उसी ड्रिल में ही यह साइज को क्या करते हैं उसमें इनबिल्ड कर देते हैं। तो जो हमारा ड्रिल होगा वह ड्रिल ही स्टेप्स के साइज का होगा। तो अगर वर्क पीस में एक बार इंसर्ट करेगा तो वह क्या करेगा, अलग अलग डाया के वर्कपीस को क्या करेगा बना देगा। तो इसीलिए इस स्टेप्स को क्या करेगा बड़े आसानी से प्रोड्यूस कर पाएगा, इसीलिए इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है स्टेप ड्रिलिंग। टर्निंग की बात तो कहाँ होती है, लेथ में होती है, तो यह क्या हो गया आपका
ड्रिलिंग हो गया, आप समझ पा रहे होगे कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे बढ़ो जरा यहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे हो इस ड्रिल पे क्या बना हुआ है, स्टेप्स बना हुआ है। तो क्या होगा कि यह एक ही बार में अलग अलग टाइम में आपको ड्रिल करने की जरूरत नहीं होगी और एक्स्ट्रा ऑपरेशन आपको नहीं करना पड़ेगा अलग अलग डाया के लिए। एक ही बार में क्या करेगा, यह होल कर देगा अलग अलग स्टेप्स में। तो ड्रिलिंग दो टाइप की है, एक का नाम है कोर ड्रिलिंग और एक का नाम है स्टेप ड्रिलिंग। तो आप देख लो स्टेप ड्रिलिंग क्या है, कोर ड्रिलिंग क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। कोर ड्रिलिंग क्या है, कोर ड्रिलिंग कुछ भी नहीं है, जो आप लोग हमेशा से देखे हो किसी भी वर्क पीस में अगर एक होल बनाना है, ध्यान से देखो तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पंच लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेंटर पंच से थोड़ा सा मार्किंग लगाते हैं ताकि कि ड्रिल बिट उस पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं और आपने क्या किया, इस ड्रिल टूल को यहाँ पे आया और ये रोटेट करेगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट टाइम जो होल बनेगा इसके आर पार, वह एक टाइप का कैसा ड्रिलिंग है, कोर ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं, कोर ड्रिलिंग, और इसको क्या बोलेंगे, स्टेप ड्रिलिंग। तो स्टेप ड्रिलिंग और यह क्या हो गया, कोर, दो बातें हो गई। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोर ड्रिलिंग। तो फर्स्ट होल के लिए जो बात की जाती है वह क्या है, कोर ड्रिलिंग, यहाँ पे क्या। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब अगला बात आता है कि काउंटर बोरिंग। ठीक है, क्या आता है, काउंटर बोरिंग। अब आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं ड्रिलिंग, यहाँ क्या रहा है, बोरिंग। ठीक है, तो एक्चुअल होता क्या है, क्या टॉपिक है काउंटर बोरिंग। क्या काउंटर बोरिंग क्या होता है, सबसे पहले देखो काउंटर बोरिंग में सबसे पहले आप समझ पा रहे हो कि बोरिंग तभी होगा जब ड्रिल हो चुका होगा। ओके, इतना तो आपको आइडिया होगा कि ड्रिलिंग के बाद बोरिंग होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब आपने पहला होल बना रखा है तो वह ऑपरेशन क्या हो गया, ड्रिलिंग हो गया, कोर ड्रिलिंग हो गया। लेकिन जो काउंटर बोरिंग होगा वह क्या होता है कि कुछ गहराई तक, देख रहे हो यहाँ पे यह भी ड्रिल है, अब यहाँ पे कुछ गहराई तक पहले से किए गए होल के डाया को क्या बढ़ा दिया। अब देख पा रहे हो, तो जरा इसको पीछे चलते हैं। यहाँ पे ऐसा करते क्यों है आपको यह जानना है, ध्यान से देखो होता क्या है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा इसको हम करते क्यों है। मान लो यह वर्क पीस है, बहुत ध्यान से समझना, और इसको आप चाहो तो बना भी लो। ठीक है, आप इसको चाहो तो बना भी लो या फिर अपने दिमाग में बना लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो होता क्या है, सपोज करो कि आपने यह वर्क पीस को क्या किया हुआ है, होल कर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक बोल्ट और नट लगाना है। जैसे मान लेते हैं इसका हेड है, यहाँ पे थ्रेड बना होगा और यहाँ पे क्या लगा होगा, नट लगा होगा। ठीक है, तो यह क्या करना है, इसमें लगाना है। तो देखो होगा क्या, अगर आप इसको यहाँ पे लगा दोगे तो देखो, अगर हम इसको यहाँ पे लगा देंगे तो कैसे दिखेगा, यह बात समझ पा रहे होगे क्या कि आपने इस नट को यहाँ पे टाइट कर दिया, बोल्ट फिट हो गया। ठीक है, फिट हो गया। अब मान लेते हैं कि आपने जो यह नट बोल्ट लगाया है, मान लेते हैं यह वर्कपीस दो टुकड़े में था, एक टुकड़ा यह है, मतलब कि अपर एंड लोअर, इसको थोड़ा सा आप समझ पा रहे हो, इसकी हैचिंग अलग तरीके से, फिर भी मान लेते हैं इसको थोड़ा सा डेंस बना देते हैं। तो इससे ये होगा कि ये दो अलग अलग वर्कपीस के पार्ट हैं, आपने क्या किया इन दोनों को जोड़ दिया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, आपने क्या किया इस दोनों छोड़ दिया। ठीक है, मान लेते हैं। तो अब मान लो अगर ये रोटेट करने वाला पार्ट है, या वर्क पीस किसी ऐसी जगह लगेगा जहां पे रोटेशन होगा, बहुत तेजी से रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा उसके साथ ये भी रोटेट करेगा, होगा तो ये भी रोटेट करेगा और यहाँ भी यह भी रोटेट करेगा। तो इन लोगों ने एक ऐसा टेक्निक निकाला, होता क्या है कि जब कोई रोटेटिंग पार्ट आपके आसपास मशीन चल रही है तो उसका प्रोजेक्टेड पार्ट अगर बाहर की तरफ निकला होगा
अगर कोई प्रोजेक्टेड पार्ट बाहर की तरफ निकला होगा, तो अगर आपके मान लेते हैं आपने ध्यान नहीं दिया, कपड़ा फंस गया, ठीक है, इससे एक्सीडेंट के चांस बने रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक टर्निंग कर दी और उसका नाम है काउंटर बोरिंग। देखो होता क्या है, उन्होंने किया क्या, इस पूरे वर्क पीस पे, ठीक है, इस पूरे वर्क पीस पे सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक होल किया, ठीक है, एक होल कर दिया। उसके बाद कुछ दूरी तक क्या किया, इन्होंने यहाँ तक ड्रिप को बढ़ा दिया, ठीक है। अब होता क्या है, अब अगर यह वाला जो हेड है वह इसके अंदर क्या होगा, सेट हो जाएगा। सपोज करो अगर आप इसी को यहाँ लगाओगे तो इसी के अंदर सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, खाली है। तो जब यह इसके अंदर सेट हो जाएगा तो जो इसका यह प्रोजेक्टेड लेंथ है वह क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग काउंटर बोरिंग करते क्यों हैं। काउंटर बोरिंग सामान्य रूप से हम लोग बोल्ट के हेड को छुपाने के लिए करते हैं, जिससे कि बोल्ट का हेड उस पीस में सेट हो जाए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे यह बोल्ट का हेड पूरी तरीके से छिप गया, आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया है आपका नट। अब आप ध्यान से देखो, जब यह रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड था नहीं है, यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड था यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि आपने क्या किया, काउंटर बोरिंग करने के बाद इस पूरे बोल्ट हेड को उसी वर्कपीस के अंदर सेट कर दिया। पीछे आओ, यहाँ पे देखो, ये देख पा रहे हो बात को। तो जब काउंटर होल बन जाता है, काउंटर बोरिंग हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यह पूरा का पूरा हेड होगा और यह आपका बोल्ट होगा। तो यह पूरा हेड क्या है, इसी के अंदर सेट हो, तो इससे क्या होगा, यह इसका प्रोजेक्शन। तो काउंटर बोरिंग इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है कि काउंटर बोरिंग क्या है, काउंटर सिंकिंग क्या है, ठीक है। ऐसा कई बार पूछते हैं इंटरव्यू में कि बोरिंग तो समझते हो लेकिन काउंटर बोरिंग क्या है, काउंटर सिंकिंग क्या है। अगर पूछ लिया फिर बोलेगा कि स्पॉट फेसिंग क्या है, तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं ड्रिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, काउंटर बोरिंग का मतलब क्या है कि पहले से किए गए होल को कुछ दूरी तक, पूरा नहीं, इंटायर नहीं, कुछ दूरी तक डाया को बढ़ा देना। पहले से किए गए होल के कुछ दूरी तक डाया को बढ़ा देना क्या कहलाएगा, काउंटर बोरिंग कहलाएगा, ठीक है। और किस पर्पस के लिए करते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ताकि कि इसका बोल्ट हेड के लिए सीट बहुत अच्छे से मिल जाए, ठीक है। अब आगे आते हैं, इन दिस ऑपरेशन ऑफ बोरिंग सेकेंड होल, ठीक है, सेकेंड होल लार्जर इन अ डायमीटर देन द फर्स्ट बट कॉन्सेंट्रिक विद इट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, सीधी सी बात है कि जो सेंटर लाइन गई होगी उसी सेंटर लाइन के अप्रॉक्स यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा। मतलब सेंटर क्या होना चाहिए, दोनों का एक ही होना चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलेंगे बालक, कॉन्सेंट्रिक, ओके, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो काउंटर बोरिंग कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इस चित्र को दिमाग में रखना, यह नहीं रख पा रहे हो तो यह रखना। तो इससे क्या होगा, आप अगर काउंटर बोरिंग का नाम सुनोगे तो विश्वास मानो बहुत ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, चलिए आगे आते हैं। अब आता है काउंटर सिंकिंग, क्या आता है, काउंटर सिंकिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि नट में, नट बोल्ट और स्क्रू में क्या अंतर है, अगर मैं आपसे बात करूं कि नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है और स्क्रू क्या होता है, तो आपके दिमाग में यह इमेज आना चाहिए। ध्यान से देखो कौन सा, अगर मैंने आपसे बात किया कि नट क्या होता है, तो आप ध्यान से देखो इसके अंदर जो थ्रेड बना होता है वह कैसा थ्रेड होता है, इंटरनल थ्रेड होता है, और यह आपके किसी न किसी बोल्ट के ऊपर क्या करता है, सेट होता है। अब मान लो यहाँ पे हमने एक बोल्ट बना रखा है, ठीक है, यह इसका यह पार्ट है, चैम्फर्ड पार्ट रहेगा। आप समझते होगे चैम्फर्ड क्यों बनाते हैं, ताकि इसके ऊपर बोल्ट आसानी से आ जाए, और यहाँ पे इसका हेड बना दिया, चलो ठीक है। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, बोल्ट, और इसको क्या बोलेंगे, नट, नट एंड बोल्ट हो गया। बट स्क्रू क्या होगा, तो देखो स्क्रू भी क्या होता है, ध्यान से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको पता नहीं है, बस ये है कि दिमाग में नहीं होगा या जानते होगे समझ में नहीं आता होगा।
ठीक है, ये इसको बोलेंगे स्क्रू बोलेंगे। तो यह आपका स्क्रू हो गया, यह स्क्रू है, यह नट है, यह बोल्ट है। तो अगर हमने आपसे बात किया कि जो आपका काउंटर बोरिंग होता है, तो काउंटर बोरिंग में हम सामान्य रूप से किसको सीट देते हैं या किसको सेट करते हैं, तो आप बोलते हो क्या, बोल्ट हेड को। चलो वॉशर भी आपको मैं यही बता दे रहा हूँ, एक वॉशर भी होता है, ठीक है, ठीक है, वॉशर है, आप देख पा रहे हो वॉशर है, ठीक है। अगर आपको इतना तो पता ही होगा, अगर आप इंजीनियर हो तो वॉशर क्या होता है यह तो आप जानते ही होंगे। नट बोल्ट स्क्रू वॉशर कॉटर कपलिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जान लो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इधर आते हैं, ध्यान से देखो, अब होता क्या है कि आपका स्क्रू है, यह वॉशर है, यह आपका क्या है, बोल्ट है, यह नट है, बिल्कुल आपको चारों चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी जिस तरीके से हम बोल्ट को सेट करने के लिए काउंटर बोरिंग कर दिए हैं, उसी तरीके से स्क्रू को भी सेट करना होता है किसी भी वर्कपीस के अंदर फिनिश की तरफ, ताकि कि उस स्क्रू का जो प्रोजेक्शन है वो बाहर की तरफ ना हो। क्यों? क्योंकि स्क्रू कैसा होता है, पार्ट ना हो, ठीक है, यह कैसा होता है, कोनिकल होता है। इसका मतलब है इसको सेट करने के लिए जो हम काउंटर सिंक टूल यूज करेंगे वो कुछ, देख पा रहे हो, कोनिकल पार्ट देख पा रहे हो, कैसे कोनिकल। तो अब यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा टेपर टाइप का कोनिकल पार्ट को बना रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, तो यह आपका जो टूल है ना, इसका नाम है काउंटर सिंक टूल। कौन सा टूल है यह? काउंटर सिंक टूल। इधर देखो, तो आप अगर आप यहाँ इस चीज को ध्यान से देख पा रहे हो तो काउंटर सिंक टूल को देखो, यहाँ पे यह आपका स्क्रू वाला कोनिकल पार्ट है और यहाँ पे यह है, और यहाँ पे आपने क्या किया, स्क्रू को बड़े आसानी से सेट कर दिया। तो सेट स्क्रू सेट हो जा रहा है, सेट स्क्रू सेट हो जा रहा है इस प्रोसेस के द्वारा, काउंटर सिंकिंग प्रोसेस द्वारा। अगर काउंटर बोरिंग में जो आपका बोल्ट सेट हो रहा था, वहीं पे काउंटर सिंकिंग में कौन सेट हो रहा है, सेट स्क्रू। कौन? सेट स्क्रू। इट इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एंगुलर सरफेस एट एंड ऑफ होल, ठीक है, जो इसका होल है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो यहाँ पे होल बना हुआ है, इस होल के एंड पे यहाँ पे क्या बन रहा है, कैसा सरफेस बन रहा है, एंगुलर सरफेस बन रहा है, ठीक है। और जो टूल यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंटर सिंक। कटिंग टूल का नाम क्या है, काउंटर सिंक टूल। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ड्रेसिंग के लिए जब हम ग्राइंडिंग में ड्रेसिंग कर रहे थे, तो प्रश्न अगर आ जाए कि ग्राइंडिंग में ड्रेसिंग किस टूल से करेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा, डायमंड ड्रेसर टूल। इसी तरीके से अगर यहाँ पे प्रश्न आ जाए काउंटर सिंकिंग किस टूल से करेंगे, तो उसका क्या नाम है, काउंटर सिंक। और अगर आपसे यह प्रश्न आ जाए कि मिलिंग मशीन में 30 स्लॉट कट करने के लिए, समझना, मिलिंग मशीन में 30 स्लॉट कट करने के लिए कौन सा टूल का यूज करोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 स्लॉट मिलिंग कटर। कौन सा कटर, 30 स्लॉट मिलिंग कटर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यह पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वह कैसा है, काउंटर सिंक। तो क्या बोलेंगे, काउंटर सिंकिंग। जरा यहां पे देखो, इसको क्या बोलते हैं, वॉशर। वॉशर आपको पता ही होगा, जब हम नट बोल्ट को टाइट करते हैं तो कभी कभी वॉशर लगाते हैं, ठीक है। वॉशर क्यों लगाते हैं, ठीक है, तो आप समझते होगे कि जो फास्टनिंग होती है, टेम्प्रोरी फास्टनिंग होती है, तो हम यह चाहते हैं कि जो टेम्प्रोरी फास्टनिंग है वह भी वाइब्रेशन की वजह से वह लूज ना हो, इसलिए हम लोग वॉशर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्रेशर लगता है वो पूरे सरफेस पे फैल जाता है। तो जो प्रेशर को चारों तरफ फैलाने के लिए सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे स्ट्रेंथ और उसकी पकड़ जो होती मजबूत हो जाती है। तो यह क्या होता है, वॉशर। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वॉशर किससे बनता होगा, वॉशर तो सीट मेटल का बनता है, आप समझते होगे, बहुत ही पतली स्ट्रिप्स होती हैं जो कि सीट मेटल का बनता है। तो प्रश्न आता है कि वॉशर बनाते वक्त कौन सा ऑपरेशन करते होंगे, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग, ठीक है, दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं।
तो ब्लैंकिंग और पियर्सिंग के द्वारा ही क्या बनाया जाता है, आपको वॉशर बनाया जाता है। अब मैं यहाँ पे वॉशर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो ऑप्शन आएगा उसको बोलेंगे हम लोग स्पॉट फेसिंग। सपोज करो है कि नहीं स्पॉट फेसिंग, तो स्पॉट फेसिंग का यूज क्यों करते हैं, वॉशर के लिए करते हैं, वह आएगा आगे। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे अगला क्या है, स्पॉट फेसिंग। ठीक है, ध्यान से देखो होता क्या है कि कभी कभी जब हम बोल्ट को लगाते हैं, सपोज करो यहाँ पे एक वर्क पीस है, आपने यहाँ पे क्या बना रखा है, होल बना रखा है, यहाँ पे एक बोल्ट लगना है कुछ ऐसा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ मान लो यहाँ पे एक नट लगना है, हेड मान लो इधर है, तो हम करते क्या है कि इसके बीच में एक पतला सा शीट मेटल का वॉशर दे देते हैं। आप देख पा रहे हो, मान लो इसको मैं हैचिंग लाइन से दिखा दिया, तो यह है वॉशर। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि इस वॉशर को लगाने के लिए स्पॉट फेसिंग क्यों, क्योंकि अगर हमने आपसे बोला था सरफेस फिनिशिंग में, हमने बोला था सरफेस टेक्सचर एक टर्म होता है, सरफेस टेक्सचर के लिए हमने आपको एक बात बताया था, अगर आपका वर्कपीस देखने में ऐसा है लेकिन अगर उसको माइक्रो लेवल पे सेट करोगे तो इसके अंदर कुछ वेविनेस होगा, मतलब उसके सतह पे कुछ उतार चढ़ाव होंगे साइन वेव की तरह। तो सपोज करो इसका सबसे टॉप और उसके बीच का जो यह पॉइंट होता है इसे बोलते हैं एच। एच ही क्या होता है, सरफेस टेक्सचर होता है, सरफेस रफनेस को प्रेजेंट करता है। तो कोई भी वर्कपीस पूरी तरीके से सरफेस फिनिश होता नहीं है, तो हम अगर मान लेते हैं उसकी सुपर फिनिशिंग नहीं हुई है, तो हम यह करते हैं कि जहां तक वॉशर लगेगा, याद रखना जहां तक वॉशर लगेगा, मतलब होल को आप टॉप व्यू देखो, उस होल के टॉप व्यू को देखोगे तो उसके अराउंड में जहां होल है उसके चारों तरफ वॉशर लगना है, तो वॉशर वाले जगह पर हम क्या करते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ही अच्छा स्मूथनेस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि यह वॉशर पूरी तरीके से उससे बैठ जाए, उसके लिए प्रॉपर सीट मिल जाए। ठीक है, तो वॉशर को प्रॉपर तरीके से किसी भी वर्क पीस पे सेट करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं स्पॉट फेसिंग। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा, ठीक है, स्पॉट फेसिंग। आपको बता दूँ स्पॉट फेसिंग, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग में क्या डिफरेंस है, यह सब इंटरव्यू वाले प्रश्न है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये भी पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी डाई है जिससे ये दोनों ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं, कंपाउंड है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप लोग इंजीनियर हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ, स्पॉट फेसिंग की बात करते। ठीक है, पढ़े स्टार्ट करो। इट इज द ऑपरेशन ऑफ मशीनिंग अ फ्लैट सर्कुलर सरफेस। ठीक है, कैसा सरफेस देगा, फ्लैट सर्कुलर सरफेस। तो अगर आप, यह तो इसका आपका फ्रंट व्यू है, अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो जहां पे होल हुआ होगा, जहां पे होल हुआ होगा, जरा इसका मैं टॉप व्यू आपको बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखो, इमेजिनेशन करना। मान लो यह ब्लॉक है, ठीक है, यह ब्लॉक है, तो इसमें जो इसका आप टॉप व्यू देख पा रहे हो, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या बना हुआ है, होल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ होल बना हुआ है, यह आपने ड्रिल कर रखा है पहले से। तो अब होता है क्या, अब इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, नट या बोल्ट का हेड लगाना है। तो अब हम करेंगे क्या, इसी के ऊपर क्या लगेगा, वॉशर लगेगा। तो अगर वॉशर लगेगा तो वॉशर कम से कम इतना दूर लगेगा, वॉशर लगेगा, तो हम करते क्या है कि इस वॉशर वाले जगह को क्या करते हैं, थोड़ा सा बहुत ही स्मूथ बना देते हैं कट करके। इससे क्या होगा कि वह वॉशर एकदम पूरी तरीके से इसके ऊपर क्या होगा, फिट हो जाएगा। तो लिखा है, इट इज द ऑपरेशन ऑफ मशीनिंग अ फ्लैट सर्कुलर सरफेस अराउंड द होल प्रोवाइड इट फॉर अ बोल्ट हेड या नट या वॉशर। तो मतलब क्या है कि जब इसके अराउंड में आप स्पॉट फेसिंग कर देते हैं, तो इसके ऊपर कौन कौन सेट हो सकता है, चाहे नट सेट हो सकता है, चाहे बोल्ट सेट हो सकता है, आपका वॉशर भी क्या करता है, प्रॉपर तरीके से सीट मिल सकती है उसको। तो यह एक तरीके से फास्टनिंग के लिए यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कौन कौन से वर्क आपको आएंगे, बोल्ट हेड आएगा, नट आएगा, वॉशर आएगा। तो स्पॉट फेसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है इसके लिए, ड्रिलिंग के लिए। तो ड्रिलिंग के लिए जो स्पॉट फेसिंग का टर्मिनोलॉजी यूज होता है आपको समझना।
चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहां पे स्पॉट फिशिंग हो गया, बिल्कुल। तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा था, तो आपका क्या नाम क्या कहना होगा, आप बोलोगे सबसे पहला ऑपरेशन था स्टेप ड्रिलिंग। कैसा था, स्टेप ड्रिलिंग या कोर ड्रिलिंग। स्टेप ड्रिलिंग अलग है, कोर ड्रिलिंग अलग है। स्टेप ड्रिलिंग में क्या था, अगर आपको एक वर्कपीस में डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के होल्स को चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं, ड्रिल टूल में ही वह होल के डाया को बना देते हैं, जिससे कि फर्स्ट टाइम में क्या होगा, वो सारे के सारे होल प्रोड्यूस हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के। उसके बाद आपने बात किया था क्या, उसके बाद आपने बात किया था काउंटर बोरिंग। क्या बात किया था, काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग को केवल एक लाइन में समझना है आपको, पहले से किए गए होल, पहले से किए गए होल में कुछ डिस्टेंस तक या कुछ डेप्थ तक अगर आपने इसके डाया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो जो बन के आता है उसको हम क्या बोलेंगे, नाम होगा काउंटर बोरिंग। अगला आता है कि काउंटर सिंकिंग क्या है, तो काउंटर सिंकिंग क्या होगा कि थोड़ा सा कोनिकल आपका टूल होगा। कैसा होगा, कोनिकल टूल होगा, जो कि प्रॉपर सीट प्रोवाइड करता है किसके लिए, स्क्रू के लिए। तो आपको पता हो गया कि नट क्या है, बोल्ट क्या है, स्क्रू क्या है और वॉशर क्या है। तो काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन में हम लोग किसी स्क्रू को क्या करते हैं, प्रॉपरली क्या करते हैं, सीट देते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, उसमें फिट हो जाता है, ओके। उसके बाद हमने बात किया था कौन सा लास्ट टॉपिक कौन सा था, स्पॉट फेसिंग। कौन सा था, स्पॉट फेसिंग। तो होल के अराउंड, तो टॉप व्यू देखो, उसके होल के अराउंड अगर आपको स्मूथनेस प्रोवाइड कराना होगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट फेसिंग। क्या बोलेंगे, स्पॉट फेसिंग। चलिए ठीक है, अब एक ऑपरेशन है टैपिंग, ठीक है। हमने आपको टैपिंग बता रखा है कहाँ पे, ड्रिलिंग मशीन में आपको, सॉरी लेथ मशीन में मैंने आपको बात किया था किसका, टैपिंग का। अब पहला प्रश्न यह है कि टैप के द्वारा होता क्या है, टैप के द्वारा क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि टैप के द्वारा इंटरनल थ्रेड बनाया जाता है, आंतरिक चूड़ी बनाई जाती है किसके द्वारा, टैप के द्वारा, ठीक है। तो पहले से किए गए होल में, क्योंकि यह कटिंग तो करता नहीं, ऐसा थोड़ी है कि यह ड्रिल कर देगा, नहीं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले से किए गए होल में इंटरनल थ्रेड बनाना होता है, तो हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, टैपिंग, ठीक है। कौन सा प्रोसेस करते हैं, टैपिंग। हमने जब आपको लेथ मशीन पढ़ाया था तो एक बात बताया था, जो टरेट और कैस्टन लेथ होता है उसमें लीड स्क्रू नहीं होती, जिसके कारण टरेट और कैस्टन लेथ पर इंटरनल थ्रेड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वहां पे टैपिंग के द्वारा इंटरनल थ्रेड बनाई जा सकती। तो टैप कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। कितने ट्री टेपर होते हैं, कितने चैम्फर्ड होते हैं, यह भी मैंने आपको लिखाया है, और यहाँ पे मैं वह जिक्र नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले टेप कितने प्रकार के टैप होते हैं, फर्स्ट वन है टेपर टैप, सेकेंड टैप या इंटरमीडिएट टैप, और इसको क्या बोलते हैं, प्लग टैप। तो जो सबसे पहले यूज होता है, अगर प्रश्न आ जाए कि टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, प्लग टैप में सबसे पहले कौन कटिंग करेगा, या सबसे पहले कौन होल बनाने में, सॉरी थ्रेड बनाने में हिस्सा लेगा, तो आपका नाम क्या आएगा यहाँ पे, टेपर टैप। तो सबसे पहले टेपर टैप, फिर अगला आएगा सेकेंड टैप, और फिर अगला आएगा प्लग टैप। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो, टेपर टैप में देखो यहां से लेके यहां तक कुछ बातों को देखो, टेपर है, ठीक है। नाम क्या है, टेपर। इसका मतलब आपको जो जवाब देना है वह यह कि टेपर टैप में लगभग कितने दांते टेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है क्या, इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट टैप में तो यहां से लेके तो यहां तक सभी, इसलिए लास्ट वाले कुछ दांतों को देखो ऐसे कर दिया गया है। इसका मतलब अगर कोई प्रोसेस उसके कॉर्नर्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं चैम्फर्ड। क्या बोलते हैं, चैम्फर्ड। इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट टैप में लास्ट के कुछ दांतों को क्या कर दिया गया है, चैम्फर्ड कर दिया गया है, ओके। अब कितने को किया गया है, यह आप बहुत अच्छे से जानते हो, यह मैंने आपको बताया है और आज बताऊंगा नहीं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लग टैप। क्या लिखा हुआ है, प्लग टैप।
प्लग टैप आखिरी में यूज होता है और यहाँ पे सारे के सारे टीथ क्या है, स्ट्रेट है। मतलब यहाँ पे कोई भी कटिंग या कोई भी टीथ क्या है, झुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या है, प्लग टैप पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रेट है। तो यह तीन प्रकार के टैप हैं और इन तीनों टैप्स को हम स्पिंडल में लगा के इंटरनल थ्रेड बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि टैपिंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो, टैपिंग आपका जैसे ही नाम आएगा टैपिंग की, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि टैपिंग ऑपरेशन के द्वारा इंटरनल थ्रेड बनाया जाता है और कुछ भी नहीं है। इधर आओ, होल्स दैट आर टू बी टैप्ड थ्रेडेड। ठीक है, इसका मतलब है सबसे पहले जो होल्स होंगे उसको टैपिंग द्वारा हम थ्रेडेड आर फर्स्ट ड्रिल। सबसे पहले क्या होगा, जिसमें हमको थ्रेड बनाना है उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, ड्रिल होना चाहिए। ऐसा नहीं एक वर्क पीस आपने दे दिया उसमें होल ही नहीं है और आप क्या बनाने चलो, थ्रेड बनाने चलो। तो थ्रेडिंग से पहले का ऑपरेशन क्या होना चाहिए, ड्रिलिंग मस्ट नेसेसरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रिल टू बी स्पेसिफाइड साइज। तो जितने mm का इंटरनल थ्रेड बनाना है और जितना इसका डाया है तो यह दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है, सपोज करो कि अगर आपने इसका जो डाया है अगर यह 25 है और आपने जो ड्रिल कर दिया है वर्क पीस में वह 25 का है, तो अब बड़े डाया आपका होल है तो यहाँ पे जो 25 का टेपर टैप है तो वह तो वर्क पीस को टच ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कटिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा होगा कि जो फर्स्ट ड्रिल पहले से किए गए होल में साइज कैसी होनी चाहिए, राइट साइज होनी चाहिए कि जिस साइज का आपको इंटरनल थ्रेड कटिंग करना है। फिर कह रहा है इन ऑर्डर टू द टैप होल ऑन द स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन से करेंगे उस होल को, और अ टैपिंग अटैचमेंट मस्ट बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ड्रिल पर हम टैपिंग करेंगे तो थोड़ा सा टैपिंग अटैचमेंट लगाना पड़ेगा कि यह टैप क्या करे, आसानी से उस पर होल कर सके। एक्चुअल में आपको बता दूं, जिस स्पीड से, बहुत ध्यान समझना, जिस स्पीड से ड्रिलिंग होती है उस स्पीड से टैपिंग नहीं होगी, टैपिंग की स्पीड कम होगी। ठीक है, टैपिंग की स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अलग अटैचमेंट लगाते हैं, क्या करते हैं, स्पीड को रिड्यूस करते हैं। एनीवे, तो यह पूरा का पूरा क्या हो गया आपका ऑपरेशन, इसका नाम क्या है, टैपिंग। ठीक है, टैपिंग ऑपरेशन हो गया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर यहां से आ गया बोरिंग। ठीक है, अब ड्रिलिंग का जो टॉपिक था वो हो गया है खत्म, पूर्णतः खत्म हो गया ड्रिलिंग का टॉपिक। अब आपको यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट वन में आपको बात करता हूं, आप इसको अपने कॉपी में बना लो। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं आपको उसको भी जिक्र कर देना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, पहला प्रश्न आया हुआ है, यह इमेज देखे, रेलवे का प्रश्न है, जब ऑनलाइन टेस्ट हो रहा था तब। ठीक है, ने कहा कि यह एक वर्क पीस है जिसमें एक होल बना हुआ है। ठीक है, आपका किस टाइप का होल है, ऑप्शन में बहुत सारे होल्स थे, यह है वह है। तो आपको बता दूं, अगर किसी वर्कपीस में आर पार, मतलब टॉप टू लेके बॉटम तक, अगर किसी वर्कपीस में आर पार होल बना होता है तो उस होल को बोलते हैं क्या, थ्रो होल। क्या बोलते हैं, थ्रो होल। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताते हैं, ध्यान से देखो। चलिए सपोज करो, यहाँ पे ध्यान से देखो सभी लोग, आप लोग इसको बना लो, यह आपका वर्क पीस है, सपोज करो यह आपका वर्क पीस है ना। चलिए अब है क्या, यहाँ पे आपका एक्सिस बना देते हैं आपके टूल का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ड्रिल टूल है, ये समझना बात को,
यह ड्रिल टूल है और ये कहीं ना कहीं अगर इसके अंदर होल बनाएगा तो उस वर्कपीस का जो डाया होगा समथिंग इतना ही होगा, है ना। इसका मतलब है कि यह इतना ही डाया का होल बनाएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो डाया है वही डाया का होल बनेगा। अब यहाँ से दो प्रश्न बने। फर्स्ट वन, उसने जब यह वाला इमेज दिया था तो उसने यह पूछा था कि यह होल कैसा है जब पूरा का पूरा आर पार होगा और जब थोड़ा सा कुछ अंदर तक रहेगा। देखो कैसे, सपोज करो इसका यह वाला पार्ट, अभी बहुत ध्यान से देखना कि इसका यह कोन वाला पार्ट होता क्या है, कि अगर यह कोन वाला पार्ट यहां तक आ गया है, ये बहुत ध्यान समझना। मान लो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, पूरा का पूरा एक हैचिंग लाइन दे रखा है, आप लोग इसको बना लो। देखो जब आपका यह ड्रिल टूल वर्क पीस के आर पार नहीं होता, मतलब वर्क पीस में कुछ गहराई तक होल किया, पूरा का पूरा आर पार नहीं हुआ है, तो इस तरीके के होल को बोलते हैं ब्लाइंड होल। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड होल। तो आप यहाँ पे नोट, आप यहाँ पे लिख दो ब्लाइंड होल। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड होल बोलते हैं। इसका मतलब है यह पूरा का पूरा टूल बाहर निकला ही नहीं है, तो ऐसे होल को बोलते हैं ब्लाइंड होल। लेकिन अगर अगला कंडीशन हम बात करें, अगर यह पूरा का पूरा ड्रिल यहाँ तक आ चुका है, का मतलब यहाँ तक कटिंग कर चुका है, अब ये पूरा का पूरा यहाँ तक, अब मतलब यह ड्रिल पूरा का पूरा यहाँ तक आर पार हो चुका है, तो इसका जो वर्कपीस एक्चुअल में जो दिखेगा वह कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। इसका मतलब है कि जब यह पूरा का पूरा आर पार हो जाएगा तो जो वर्क पीस ऐसा दिखेगा तो इसको बोलते हैं थ्रो होल। क्या बोलेंगे? थ्रो होल बोलेंगे। तो यही प्रश्न था कि इसमें किस तरीके का होल किया गया है, इसको बोलते हैं थ्रो होल और इसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। इसको बोलते हैं थ्रो होल और इसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। ओके, दोनों बात ध्यान से रखना कि थ्रो होल कब होगा और ब्लाइंड होल कब होगा। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का पॉइंट जो बनता है आपको मैं बता दूँ, ध्यान से देखो। होता क्या है कि जब हम ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं तो वर्क पीस से ड्रिल को थोड़ा ऊपर रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका यह वर्क पीस है यहाँ पे और यह जो ड्रिल है ना बालक, तो यह थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यह जो ऊपर रहता है इसी को बोलते हैं अप्रोच। क्या बोलते हैं? अप्रोच। तो यह क्या है? अप्रोच को बोलते हैं अप्रोच लेंथ। अप्रोच लेंथ है, इसका मतलब है इसको प्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश के लेटर ए से, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो गया? अप्रोच लेंथ। अब मान लेते हैं इस ड्रिल का जो डाया है वह डी है, तो ड्रिल का डाया अगर डी है तो अप्रोच लेंथ कितना रखा जाएगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, IES का प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। सीधा प्रश्न पूछा है कि अगर एक ड्रिल का डाया 20 mm का है तो थ्रो होल के लिए अप्रोच कितना होगा और ब्लाइंड होल के लिए अप्रोच कितना होगा। यह स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि जो यह अप्रोच है ए इक्वल टू, तो अगर यह ब्लाइंड होल है तो उसके लिए होता है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई डी, और अगर यह थ्रो होल है तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है ए इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो जो अप्रोच लेंथ होता है यह होता है, और डी समझते हो यह डाया किसका है? ड्रिल का। डी क्या है? डाया किसका है? ड्रिल का। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखते हैं तो आपको दो बातें याद होनी चाहिए, एक होता है ब्लाइंड होल और एक होता है थ्रो होल, ठीक है। तो जो प्रश्न आया हुआ था यह आया, तो अब आपको आंसर क्या लगाना है? थ्रो होल है,
जबकि यह कैसा है, ब्लाइंड होल है। तो जो ब्लाइंड होल और थ्रो होल का कॉन्सेप्ट है यह यहाँ पे है, आप एक बार फिर से देख लो। जब ड्रिल टूल वर्क पीस में कुछ गहराई तक इंसर्ट होता है लेकिन पूरा का पूरा आर पार नहीं होता, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। ब्लाइंड का मतलब अंधा, क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं किस लेंथ तक है। तो यह एक टाइप का ब्लाइंड होल है। और ड्रिल करने से पहले ड्रिल टूल और वर्क पीस का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अप्रोच लेंथ, उसको शो करते हैं ए से। तो ए की वैल्यू ब्लाइंड होल के लिए कितना होता है, 0.3 × d। ये न्यूमेरिकल में आया हुआ है और मैं इस पर न्यूमेरिकल भी आपको लगवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात कर रहा हूं, जो आपका थ्रो होल होगा वहां पे जो अप्रोच की वैल्यू होती है 0.5 × d होती है। तो यह दो टाइप के होल्स बन सकते हैं, एक ब्लाइंड होल बन सकता है और एक थ्रो होल बन सकता है। और तो ड्रिलिंग में जो ऑपरेशन थे, काउंटर बोरिंग था, ठीक है, स्टेप बोरिंग था, फिर काउंटर सिंकिंग था, उसके बाद हमने क्या बात किया था, स्पॉट फेसिंग, उसके बाद आखिरी क्या था, टैपिंग। यह सभी ड्रिलिंग के ऑपरेशन खत्म हो गए, ड्रिल की पूरी ज्योमेट्री खत्म हो गया। हार्ड मटेरियल की करने के लिए, हार्ड मटेरियल का वर्क पीस है अगर आपका वर्क पीस हार्ड है तो पॉइंट एंगल को हमको क्या लेना पड़ेगा, हायर या लोअर, तो आपने बोला हायर लेना पड़ेगा। अगर आपका वर्क पीस सॉफ्ट है तो पॉइंट एंगल कम रखते हैं, यहां तक कि प्लास्टिक के लिए हम लोग कितना रखते हैं, 90, तो सबसे कम रखते हैं। तो यह दोनों बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो आपका टूल ज्योमेट्री के जो एंगल होंगे, चाहे वो हेलिक्स एंगल हो, चाहे वो पॉइंट एंगल हो, चाहे वो क्लियरेंस एंगल हो, वो कितना है, मटेरियल कौन सा होगा, हाई स्पीड स्टील होगा, साथ में 3D है, 3D का मतलब ऑब्लिक कटिंग, 2D का मतलब ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंड कटिंग टूल बोलते हैं, ठीक है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, ऊपर सैंक है, नीचे मटेरियल है HSS, और यह क्या है, डाया। तो सैंक, मटेरियल, डाया, या तीनों मिला दोगे तो क्या होगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल टूल, ठीक है। यह हेलिक्स बना होता है, हेलिक्स क्यों बना होता है आपको पता होना चाहिए। तो जितनी बातों को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इतने एनर्जी क्यों लॉस कर रहा हूं, तुमको क्या पता है कि मुझे यह शौक है कि मैं बार बार बोलूं तुमको एक ही बात, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उस आवाज को अपने दिमाग में लेते रहो। क्योंकि उससे क्या होगा, जब कोई बात आप सुनते हो तो आपका जो टेम्पोरल पॉली होता है, आपका यहाँ पे दिमाग में कई लोब्स बने होते हैं, तो टेम्पोरल पॉली होता है जो श्रवण शक्ति को क्या करता है, आपके सेरिब्रम में स्टोर करता है। सेरिब्रम यहाँ पे होता है, सेरिबेलम यहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लॉगेटा के साइड में। तो इसका मतलब है कि आप मेरी बात को अगर बार बार सुनोगे तो आप न चाहते हुए भी वह स्टोर करके सीधा आपके सेरिब्रम में डाल देगा। जब आपके पास एग्जाम में वह सवाल दिख जाएगा तो सेरिब्रम तुरंत उस ध्वनि को आपके दिमाग में गूंज करेगा। इसका मतलब है कि आप न भी जानोगे तब प्रश्न देख के आपको मेरी आवाज़ सुनाई देने लगेगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप बस अगर सुनते रहोगे तो विश्वास मानो MTT आपके लिए एक खिलौना हो जाएगा, जो कि आप कैसे भी बिना मेहनत के भी आप क्या करोगे, आसानी से सारे प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा अब कौन सा, बोरिंग, ठीक है, ये बोरिंग टॉपिक है। बोरिंग का मतलब बोर नहीं करूंगा, बोरिंग का मतलब है इस ऑपरेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। है तो कुछ नहीं, लेकिन इसके अंदर अगर रिसर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।